हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में भी सीएम मनोहर लाल की सौगातों के तहत गुरुग्राम में 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की 5 परियोजनाओं की सौगात दी गई। इनमें 50 लाख रुपए की लागत से सीएसआर के तहत बनाया गया किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन, लगभग 663 लाख रुपए की लागत से पटौदी क्षेत्र के गांव मुसैदपुर में बनाया गया। आईटीआई संस्थान का उद्घाटन 1100 लाख रुपए की लागत से मानेसर के सेक्टर 1 में बनाया गया। कम्युनिटी का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ 4,705.32 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड होने वाले सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल का शिलान्यास, 754 लाख रुपए की लागत से मानेसर में बनने वाले स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से इस समारोह में ऑनलाइन जुड़े और उन्होंने कोविड काल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ऑनलाइन करने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। गुरुग्राम जिले में इन योजनाओं से लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सभी विधायकों ने इस बात के लिए आभार जताया कि जो मांग उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी वो पूरी हुई। 167 परियोजनाएं टोटल हरियाणा के अंदर इनॉग्रेशन या फाउंडेशन लेकर गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके अंदर गुड़गांव के अंदर एक किसान छात्रावास उसके अंदर आया है और एक 100 बेड का हॉस्पिटल तक या 200 बेड का किया गया। उस छात्रावास के अंदर नीचे एक हॉल है 50 बच्चों के लिए उसमें हॉस्टल चल गया और जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वो 200 बेड का किया गया है वो फुल इक्विप्ड वो होगा और सभी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के साथ। ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ITI जो जिसको हम ये कहें क्लास 1 की टॉप की ITI होगी मुसैदपुर में, उसका आज उद्घाटन किया गया है। दूसरा HSIDC का एक बहुत बड़ा 1,000 से ज़्यादा लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का कोविड सेंटर तैयार किया गया है, उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं रहेगी। तीसरा एक पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र का किया गया है गुरुग्राम में, जैसा भी माननीय विधायक जी ने बताया कि किसान छात्रावास और हॉस्पिटल का। और इसके अलावा भी आज पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है कि कोरोना काल के बावजूद भी बगैर टैक्स का बिना कोई कर लगाए एक बजट पेश किया है और जिसमें विकास की अच्छी राशि निर्धारित की।